ओके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ओके अभी तक हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, ब्रेन के 3 पार्ट्स, फिर नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्स रिएक्शन रिफ्लक्स आर के बारे में पढ़ा। ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ तो आना ही आना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो पहले ओल्ड सिलेबस में 2 चैप्टर था उसको कंबाइन करके बनाया हुआ है, तो ये पूरा चैप्टर, ये पूरे चैप्टर में से आपको 8 to 10 मार्क्स का मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट, एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, बट प्लांट हैव अ नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। देखो हमने हमारे मिस हमने देखा कि हाथ की उंगलियां गर्म चीज़ को टच करती है उसके बाद वो पीछे ले जाती है और ये सब, लेकिन ये सब करने के लिए हाथ के मसल्स, नर्वस सिस्टम ये सब होना चाहिए, तो हमारे एनिमल में तो मीन्स एनिमल जो भी है उनमें होता है, लेकिन प्लांट में ये जब सब नहीं होता, तो प्लांट में ये सब चीज़ें कैसे होती है? सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड, तो ये रिस्पॉन्ड कैसे करेगा स्टिम्यूली को? स्टिम्यूली मीन्स कोई भी चीज़ को, स्टिम्यूली मीन्स रिएक्ट करना। वेन वी स्टिम्यूली मीन्स लाइक हमको कोई चीज़ इफेक्ट कर दिया ना, उसको हम स्टिम्यूली बोल सकते हैं। वेन वी टच द लीव्स ऑफ द चुई मुई, वो क्या है? द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली। ओके दे बिगन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप वेन सी जर्मिनेट द रूट गोज डाउन द स्टेम कम्स अप इन टू द एयर वॉट हैपन फर्स्टली द लीव ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स स्टप। तो मिमोसा प्लांट करके एक प्लांट आ जाए, उसको जब भी आप टच करोगे ना तो वो फटाफट अपने आप रिएक्ट करेगा और वो क्या हो जाएगा, फोल्डिंग अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोल्ड अप, और उसकी रूट जो होती है वो गोस डाउन, मीन्स रूट का जो ग्रोथ होता है वो डाउन हो जाता है। ओके देर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। ओके ऑन द अदर एंड द डिरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। ओके ऑन अदर एंड द डिरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मूवमेंट, वन डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ और अदर इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ। अभी देखो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो एक मूवमेंट वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट भी होती है, और दूसरी जो मूवमेंट होती है वो ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट, मीन्स दो अलग अलग है। तो 7.2.1 में हम देखेंगे कि जो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो स्टिम्यूलस पे करता है उसकी बात हो रही है। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ द मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। जैसे हमने टच किया उनके लीव्स एक्चुअली मूव होने स्टार्ट हो गए, बट देर इज नो नर्वस टिश्यू, लेकिन उसके अंदर तो नर्वस टिश्यू तो है ही नहीं, नॉर एनी मसल्स, उसके अंदर मसल्स भी नहीं है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, तो प्लांट ने टच कैसे डिटेक्ट किया? एंड हाउ डू द लीव्स मूव टू इन रिस्पॉन्स, तो मूव मीन्स लीव रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं? If we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happened at the point different from the point of touch. Okay? तो ये जो growth है ना वो किस पे depend करता है? Touch पे depend करता है. So, information that a touch has a occurrence but be communicated. The plant also use electric chemical means to convey this information from the cell to cell. तो जैसे हमारे माइंड में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहा था ना, वैसे प्लांट में भी इलेक्ट्रिक केमिकल कोई कुछ ना कुछ तो जनरेट हो ही रहा है। बट अनलाइक इन एनिमल देर इज नो स्पेशलाइजेशन टिश्यू इन द प्लांट ऑफ द कंडक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ओके लेकिन हमारे अंदर जैसे ही ब्रेन था ऐसा कोई टिश्यू मीन्स ऐसा कोई पार्ट इसमें है नहीं, नो स्पेशलाइज टिश्यू। फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर द मूवमेंट हैपन इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइजेशन प्रोटीन फंड इन द एनिमल मसल सेल्स। प्लांट सेल्स चेंज द शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द वॉटर ऑफ द डैम। जैसे
हमारे अंदर जो भी चेंजिंग आता है, हमारा जो शेप चेंज होता है, मीन्स आपने देखा होगा अमीबा, अमीबा में वो अपना फूड लेने के लिए वो अपने रॉन्ग लेग्स भी ले आता है, वैसे ही। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें जो भी चेंजेस आते हैं ना वो वाटर के कारण होता है। अगर वाटर मिलता है तो वो ग्रोथ करता है, वाटर नहीं मिलता है तो उसका ग्रोथ नहीं होता है वो सब। ओके, अब 7.2.2 मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सम प्लांट लाइक अ पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट और फैंस बाय मीन्स ऑफ द टेंड्रिल। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के सपोर्ट में ऊपर बढ़ते हैं। दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एनी सपोर्ट द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन द कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। अभी देखो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो अपने हिसाब से ग्रोथ नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं। लाइक अगर दूसरा कोई प्लांट है या तो कोई फैंसी, तो फैंसी के ऊपर भी चढ़ के वो अपना ग्रोथ कंप्लीट करते हैं। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली स्लोली बाय ग्रोइंग इन द पर्टिकुलर डिरेक्शन बिकॉज दिस ग्रोथ इज डिरेक्शन। देखो, इसका जो ग्रोथ होता है ना वो एक ही डिरेक्शन में रहता है, तो डिरेक्शनल होता है। इट अपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, ऐसे दिखाता है कि वो प्लांट जो है वो मूव कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इसके बारे में एक्टिविटी और वो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।